Money Money Happy Return of the Month. Download the 7 Seas Money app and get 2% to 25% cashback money on your monthly expense. 11 जुलाई को मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिजली बिल माफ किए एवं 200 प्रति माह संबल योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति को भरना है। जावरा में यहाँ कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला, जहाँ 7000 बिल आता था वहाँ 25000 का बिल आ गया एवं विद्युत मंडल में अधिकारियों का इंतजार करते रहे उपभोक्ता। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं एवं विद्युत मंडल छोड़कर फोन लगाते हैं तो कहीं दूसरे स्थान पर बताते हैं। लगातार महंगी हो रही बिजली और बिजली बिलों में हुई बढ़ोतरी के विरोध को लेकर आमजन ने आज जावरा पावर हाउस के पास बिजली दफ्तर के कार्यालय पहुंचे और बिजली के अधिक राशि के बिलों के साथ ही मध्य प्रदेश में लगातार बिजली महंगी हो रही है, जिससे आम आदमी पर बहुत बोझ पड़ रहा है। इसी को लेकर आज SDM ML आर्य जावरा को ज्ञापन दिया। मैं इसलिए यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि मैं एक आम नागरिक की हैसियत से यहाँ पे हूँ और मैं एक आपको बता दूँ कि मैं एक नया एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने 1.5-2 साल से अभी अपना एक बिजनेस शुरू किया है, जहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी और सभी सरकारें ये बात कर रही है कि हम एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने अपनी शुरुआत की है और आज आप ये देख सकते हैं कि मेरे बिजली का बिल इस बार दुकान का 25000 आया है। मेरे पास पूरा डाटा है, पूरे साल भर के बिल हैं और पूरे डाटा मैं आपके सामने यहाँ बना के भी लेके आया हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी आज तक कोई इतना बिल यहाँ पर मेरा नहीं आया है। इस डाटा में आप देख सकते हैं, बाकी सीधे इस जून माह में 25000 का बिल मुझे दिया गया है। तो अब आप बताइए कि एक नया एंटरप्रेन्योर 25000 का बिल भर के बिल भरेगा या फिर अपना घर परिवार चलाएगा। इससे पहले कितने के बिल आ रहे थे आपके? कितने तक का था? इससे पहले मेरे पास एवरेज बिल 8 से 9 हजार मार्च अप्रैल में सबसे पीक सीजन जो रहती है, जब हमारे यहाँ पे सारी मशीनें चल रही थी, सारे कूलर पंखे सभी चल रहे थे, तब भी 9000 का हद से हद अधिकतर बिल आया है। वो 5000 सुरक्षा निधि वो हर बार जमा कर रहे, वो अलग से, बाकी इस बार सीधे 17,500 का तो इनका बिल है और सारे चार्जेस मिला के 25000 रुपए का बिल है। यदि ये 25000 का बिल मैं भरता हूँ तो फिर मैं अपने घर परिवार के लिए क्या बचाऊंगा, ये आप देखिए। क्या इस सरकार से संतुष्ट हैं आप? मैं सरकार से मुझे कोई बात नहीं है। सरकार क्या करती है, क्या योजनाएं लाती है, मुझे किसी चीज से कोई शिकायत नहीं। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं सिर्फ सरकार से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं 25000 का बिल भरने की स्थिति में नहीं हूँ। आप किन योजनाओं को लागू करते हैं, किनका भला होता है वो हो तो भी हम खुश हैं क्योंकि हमारे भाई बहन है। बाकी हमारा क्या, एक मिडिल क्लास का क्या जो रोज मेहनत करती है, 24 घंटे मेहनत करती है, सारे टैक्स ईमानदारी से चुकाती है कि उसके राज्य शासन ने जो योजनाएं लागू की हैं वो योजनाएं भली भांति तरीके से चले। बाकी आज उन्हीं योजनाओं के कारण, यदि योजनाओं को मैं इस बीच में नहीं लाना चाहूंगा, बाकी क्यों एक आम नागरिक, क्यों एक मिडिल क्लास ही हर बार इन सब चीजों का शिकार होता है और उसे ही दबना पड़ता है। क्या चाहेंगे आप शासन प्रशासन से? यहाँ पे MPB का कोई विकल्प ही नहीं है। मैं अगर MPB का कोई विकल्प होता तो मैं दूसरा कनेक्शन ले लेता, हाथों हाथ कटवा देता। अब विकल्प नहीं है तो अधिकारी बोलते हैं कि साहब आप इतनी बजे आइएगा, इतनी बजे आइएगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अधिकारी जवाबदेह हो और वो ये समझाएं, जो यहाँ पे हर नागरिक का एक सवाल है कि ये सुरक्षा निधि क्या है, नियत प्रभार क्या है, मीटरिंग प्रभार क्या है, ये सारे प्रभार किस हिसाब से लग रहे हैं, वो ये समझा दें।